बीजेपी के माइनॉरिटी लीडर अब्दुल सत्तार भी तेजी से अवामी मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। अवामी जलसों में बड़ी खुद एतमादी से तकारीर भी कर रहे हैं। मिल्लत नगर के अलखैर फंक्शन हॉल में बीजेपी के युवा नेता चंदू पाटिल के राशन किट्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में भी अब्दुल सत्तार ने खुलकर अपनी बात रखी। ना सिर्फ चंदू पाटिल के कामों की तारीफ की, साथ ही उनके सामने कुछ तजावीज़ भी रखी। वो आपके सामने बताए सर, पिछले 70 साल में ये पहली मर्तबा है कि कोई भारतीय जनता पार्टी के आदमी हमारे बीच में आकर और माइनॉरिटी के अंदर आकर हम लोगों को सुख और दुख के साथ ठहरे हुए। मैं चंदू पाटिल साहब का तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले 5 महीने से गुलबर्गा नॉर्थ में 24 घंटे काम कर रहे हैं, 23 घंटे 18 घंटे नहीं, 24 घंटे। रात में 2 बजे किसी एक आदमी को दवाखाने में एडमिट करना होता है, मैं खुद फोन लगाकर रात में 2 बजे फोन उठाते हैं। तो ऐसा काम करने वाला आदमी और ऐसे कैंडिडेट शायद ही 70 साल में हमको मिला है। मैं आज जो यहाँ पर और एक बात हमारे चंदू पाटिल साहब को कहना चाहता हूँ कि आप जितना ये काम कर रहे हैं और पिछली मरतबा इनका बहुत बड़ा कारनामा जो शेयर होते में 100 बेड का जो दवाखाना चंदू पाटिल साहब लाए हैं, ये बहुत बड़ा कारनामा है। 40 साल में पिछले जो MLA थे उन्होंने लाए, आज कुछ नहीं होते हुए जो 100 बेड का जो हॉस्पिटल लाए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी गुजारिश है कि यहाँ पर जो मिल्लत नगर का जो एरिया है ये बहुत बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पर अगर आप कुछ दवाखाना लाएंगे तो इन लोग जो यहाँ पर हमारे माँ बहन बैठे हैं इनको बहुत बड़ा फायदा होगा। और आने वाले दिनों के अंदर आपको अगर कुछ भी परेशानी होती है और आपके घर में कुछ भी परेशानी होती है, बिना झिझक आप चंदू पाटिल साहब को याद कर सकते हैं। ये काम करने वाले हैं, इनकी टीम 24 घंटे काम कर रही है। आपके घर में कौन सा भी प्रॉब्लम होंगे, पानी के अंदर अगर आपको पानी नहीं आ रहा मोहर में, तो आप फोन करिए हमारी टीम को। आपके पास राशन किट आ रहा है और आइंदा भी जो भी आपको तकलीफ होगी आप सीधे सीधा हमारे चंदू पाटिल साहब की टीम को फोन करिए, इंशाल्लाह हम आपके पास पहुंचेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।